हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले की वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और सेकंड वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या बोलना है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इसको मैं हिंदी में भी पढ़ लेती हूँ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम है, ठीक है। इसका हम फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 26 एंड 91। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और हमें इस थ्योरम को वेरीफाई करना है। 26 एंड 91, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और हमें इसको वेरीफाई करना है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही इसको हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, 26 और 91, ठीक है। इसका सबसे पहले हम फैक्टर देखते हैं। 26 के फैक्टर सबसे पहले हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही हम 91 पे करेंगे। इसमें किससे जाएगा, इसमें आप देखिए 7 से, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, तो इससे आ गया 7 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ओके। अब इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों नंबरों में कॉमन है, ठीक है। 13 देखिए, 13 की पावर 1, 13 की पावर, ये हमारी दोनों में कॉमन है, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम, एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कॉमन है उसको 1 बार और बाकी बचे हुए को 2 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। अब इसकी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई करके 182 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, ओके। अब इससे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं। अब हम इससे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाई करेंगे, ठीक है। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके। एलसीएम कितना है हमारा, 182 इंटू एलसीएफ है हमारा 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है 26 इंटू 91, ओके। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 2366 आएगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके 2366 आएगा। आप मल्टीप्लाई खुद करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा सही है या नहीं है, ओके। तो आपका देखिए वेरीफाई हो गया, हमने 26 एंड 91 का एचसीएफ निकाला, यहाँ पर एलसीएम कैलकुलेट करा और इसको वेरीफाई कर दिया। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, ये जो दो नंबर्स हमें दिए इनका प्रोडक्ट है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 2366 आया, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 2366, तो हमारा ये वेरीफाई। सेकेंड पार्ट में क्या है, देखिए इसमें भी हमें सेम 510 एंड 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और इससे हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर वेरीफाई करना है, ठीक है। 510 एंड 92, ओके। सबसे पहले हम 510 के फैक्टर करेंगे, तो इसमें डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, उसके बाद हम इसमें फिर 3 से देंगे, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, उसके बाद हम इसको 5 से देंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ओके, 17 1 जा 17, तो 510 के फैक्टर आ गए आपके 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 17 की पावर 1, ओके। ऐसे ही अब हम 92 के फैक्टर करेंगे, 92 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 से, तो ये जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ओके, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, उसके बाद ये 23 प्राइम नंबर, 23 1 जा 23, तो 92 के फैक्टर हो जाएंगे आपके 2 की पावर 2 इंटू 23 की पावर 1, ओके। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, ओके। देखो एचसीएफ क्या होगा, इसमें कॉमन पावर क्या है, 2 की पावर 1 और यहाँ भी 2 की पावर, ये 2 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, 2 की पावर
वर्ड। ओके, अब एलसीएम, मैंने आपको बताया था कि जो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जो पावर कॉमन है उसमें से एक उस डिजिट को एक बार उतारते हैं, तो 2 की पावर 1, और यहाँ पर ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं 2 into 2, तो यहाँ से इसका 2 ये उतर जाएगा दोनों में जो कॉमन वाला है, और बाकी डिजिट उतारते हैं, तो यहाँ पर आपका बचा 3 into 5 into 17 into, यहाँ पर 2 बचा into 23। ठीक है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2 की पावर 2 into 3 की पावर 1 into 5 की पावर 1 into 17 की पावर 1 into 23 की पावर 1। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करके इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 23460। ठीक है, इसके बाद आप एचसीएफ इंटू एलसीएम करके इसको चेक करेंगे, एलसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, आपका एचसीएफ है 2 into LCM है 23460 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपका हो जाएगा 510 into 92। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आ रहा है 46920, और यहाँ भी आ रहा है 46920। आप खुद से कैलकुलेट करना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुका है, और दोनों ये भी वेरीफाई हो गया, एलसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सेकंड का जो थर्ड पार्ट है ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है 3, 36 and 54। ओके, नहीं आएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के बात कराऊँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।